सीतापुर के गांजरी इलाके बेहटा में पहुंचे सूबे के जलशक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा किया, साथ ही चौपाल लगाकर ग्रामीणों से वार्ता कर उनकी समस्याएं भी जानी। इस दौरान जलशक्ति राज्य मंत्री को क्या कुछ मिला, क्या उन्होंने निरीक्षण किया, तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के तंबौर संवाददाता सलील श्रीवास्तव जी के पास। तो सलील जी बताइए कि जो जलशक्ति राज्य मंत्री है रामकेश निषाद किस गाँव में पहुंचे, कहाँ के बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश दिए? और प्रियांशु, हम बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने ब्लॉक बेंटा के बाढ़ प्रभावित गांव खाना मोड़ पहुंचकर नई परियोजना का जायजा लिया, सिंचाई विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित भी किया। प्रसिद्धि विद्यालय खाना मोड़ में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से राज्य मंत्री ने चर्चा की, जिसमें ग्रामीणों ने बीते वर्ष का फसल कटान का मुआवजा न मिलने की जानकारी दी, जिस पर मंत्री जी ने SDM लहरपुर आकांक्षा गौतम को जांच कर रिपोर्ट बनाकर मुआवजा दिलाए जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा ग्रामीणों से हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा दिलाया और CST अधीक्षक जो डॉक्टर मनोज थे उनको भी गांव में टीम भेजकर कैंप लगाकर देखभाल करने के निर्देश दिए। जी सलील जी, एक जानकारी चाहेंगे, इस दौरान जब वो मंत्री जी दौरा कर रहे थे गांव का और बाढ़ग्रस्त इलाके का, क्या कुछ उन्होंने कमियां पाई और क्या कोई शिकायत भी ग्रामीणों ने उनसे की है? हाँ, ग्रामीणों ने राहत शिविर में जो राहत शिविर बनाए गए हैं उसमें कोई ना मिलने की सूचना दी, जिसके बाद मंत्री जी ने मौके पर निरीक्षण कराने की बात कही और ग्रामीणों ने उनको एक ज्ञापन भी सौंपा है कि जो पुनः जल स्तर बढ़ने से कटान हो रहा है, हमारी फसलें जमीनें कटने के साथ तटबंध भी कट रहा है, इससे जो रायमड़ोर, इच्छा, रतनगंज, पालतीपुरवा, गिरवनपुरवा, सेनापुर, ये ऐसे गांव हैं जिनके जिनके अस्तित्व समाप्त हो जाने का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्र के दर्जनों गांव जो है बाढ़ कटान की तबाही झेल रहे हैं और उन्होंने मंत्री से अनुरोध किया कि जो क्षेत्र की समस्या देखते हुए जमीनें कट गई हैं, जिनको फसलों का नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा दिलाया जाए। ये जो है कटान संघर्ष मोर्चा जो था उनके लोकप्रिय विनोद पाल थे, उसने प्रमुख रूप से और चंद्रिका थे, सुनील कुमार थे, केशव थे, राजेश कुमार थे, इन लोगों ने ज्ञापन किया है। जी सलील जी, एक अहम जानकारी और चाहेंगे, क्या किसी पे नाराज भी हुए जो जलशक्ति राज्य मंत्री हैं? नहीं, नाराज नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ग्रामीणों को समझाते हुए ये बात कही है कि प्रदेश के मुखिया जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जो है वो सबको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे और सबकी परेशानी जो है वो संपूर्ण की जाएगी प्रदेश सरकार के साथ में। जी बिल्कुल, तो ये सीतापुर के गांजरी इलाके बेहटा का जो बाढ़ग्रस्त इलाका है रायमरोड़ गांव में पहुंचे सूबे के जलशक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद और उन्होंने वहां पे जो नई परियोजना है उसका जायजा लिया, साथ ही परिषदीय विद्यालय खाना मरोड़ में चौपाल लगाई, ग्रामीणों से चर्चा की और उनकी समस्याएं भी जानी। उन्हें कई प्रकार की शिकायतें भी सुनने को मिली, जिसमें एक प्रमुख शिकायत ये थी कि कटी जो पिछले साल उनके खेत कट गए थे कटान में और जो फसलों का नुकसान हुआ था उसका मुआवजा उन्हें एक साल बाद भी नहीं मिला है। इसके अतिरिक्त राहत शिविर जो लगाए गए हैं उनमें किसी अधिकारी या कर्मचारी की तैनाती तो है लेकिन वहां पे कोई मिलता नहीं है, जिस पर उन्होंने SDM आकांक्षा गौतम को निर्देश दिए और साथ ही जो वहां के CSC अधीक्षक हैं डॉक्टर मनोज बेटा के उनको भी निर्देश दिए कि राहत शिविर में किसी न किसी अधिकारी या कर्मचारी की तैनाती जरूर की जाए। साथ ही कटान रोको संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने एक उन्हें मांग पत्र भी सौंपा है और उसमें भी यही कहा गया है कि शारदा नहर द्वारा रायमरोड़ सहित जो क्षेत्रीय गांव है करीब कई गांव है वहां पे कटान व बचाव के साथ जो कटी जमीनों का मुआवजा, साथ ही जो खड़ी फसलें थी पिछले साल वो बर्बाद हो गई थी बाढ़ और कटान से, उनका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया। साथ ही SDM लहरपुर आकांक्षा गौतम को निर्देश दिए कि इनका मुआवजा तत्काल दिलाया जाए जो पिछले साल इनको नहीं मिला था, साथ ही उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है ग्रामीणों को। अब देखना होगा कि इस निरीक्षण के बाद क्या जो कटान रोको संघर्ष मोर्चा है उनकी जो कटी फसल का मुआवजा या अन्य दिक्कतें हैं वो कहां तक दुरुस्त होती हैं, वो भी हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए सलील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।